नमस्कार दर्शकों, कैने न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। 1 नवंबर को 68वां मध्य प्रदेश स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके चलते कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम शहर के स्थानीय पुलिस ग्राउंड में मनाया गया। स्कूली बच्चों द्वारा शहर में रैली निकाली गई, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर शीति सिंगल द्वारा लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। वहीं शहर के पीजी कॉलेज में भी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि किसी भी प्रदेश के संसाधनों को सहजने में युवाओं की अहम भूमिका होती है। वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रविन्द्र दिवाकर ने कहा कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। कार्यक्रम में प्राध्यापकों और विद्यार्थियों की सक्रिय उपस्थिति रही। इस दौरान सभी ने मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने का संकल्प लिया। हर क्रम में अनेक वक्ताओं द्वारा स्थापना दिवस के संदर्भ में बातें कही गयी। मैं आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मध्य प्रदेश भारत का एक हृदय प्रदेश है और हृदय है इसका मतलब हृदय की धड़कनें चलते रहेंगी तो निश्चित तौर पर सब कुछ सही सलामत चलता रहेगा। तो मध्य प्रदेश जो हमारा भारत का हृदय है, ये यदि विकसित होगा तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारा भारतवर्ष भी विकसित होगा। मध्य प्रदेश विकसित होगा तो निश्चित तौर पर हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ते चलेंगे। हम न सिर्फ राष्ट्र को समृद्ध एवं व्यवसायी बनाएंगे बल्कि हम भी यदि स्वयं समृद्ध बनेंगे तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जैसा कि सर ने अभी कहा कि हम छोटे छोटे कार्य करके मध्य प्रदेश को विकसित कैसे कर सकते हैं। जैसे सर ने अभी जल संरक्षण की बात की, इसी प्रकार पर्यावरण रक्षा की बात हम कर सकते हैं। कुल मिलाकर यदि हम कहना चाहें कि अभी अमृत महोत्सव मनाया गया था तो उसमें एक टॉपिक रखा गया था वर्षवा